हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता है सब लोग ठीक हो कि मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे, कंप्यूटर कोड पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीआई इंटीग्रेशन। तो मोस्टली जो है हमारे डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, आईओएस डेवलपमेंट हो या वेब हो, तो इसमें हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ती है ताकि डेटाबेस से हमारा डाटा फेच हो। क्या है तो ये काम किस तरह करते हैं, इसके पहले हम वायर डायग्राम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्लाउड में मेरे पास स्टोरेज है, स्टोरेज है और वहाँ पर मेरी डेटाबेस पड़ी है। इसके लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं इसको एक्सेस करने के लिए, कि इंटरनेट और दूसरी एपीआई। एपीआई क्या होती है? एपीआई को मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो एपीआई हमारा एक यूआरएल होता है, या वो पाथ होता है जिस रास्ते पे हम जाके हमारी इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज में हमारी डेटाबेस पड़ी है एक जगह पे, तो वही डेटाबेस हम हमारी वेब के साथ भी अटैच कर सकते हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। वो फिर जो है एंड्रॉयड हो या आईओएस हो या एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी एक जगह चीज़ पड़ी होती है और उसको हम मल्टीपल प्लेसेस पे एक्सेस कर लेते हैं। तो फ़ोन के अंदर इसको इंटरनेट चाहिए होता है और एक एपीआई जो हमें यूआरएल पाथ होगा हमें वो रिक्वायर होगा। जब हमारे पास डाटा फ़ोन के अंदर आ जाएगा तो वो होता है हमारे पास जेसन की फॉर्म में। जेसन की फॉर्म को हम करते हैं फिर डीकोड वाया मॉडल क्लासेस। मॉडल क्लासेस में उसको भेजते हैं, अगर वो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, या सर जो भी हम ऑपरेशन होते हैं उस पर अप्लाई करना है वो वाले अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, डीकोड करने के बाद वो वाला डाटा जो है हमारा फ़ोन के अंदर जो विजिट्स हैं, फ्लटर के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, फ्लटर के अंदर जो विजिट्स हम बनाएंगे जहाँ पे हमें डिस्प्ले करना होगा तो वहाँ पे ये यूजेज के लिए चला जाता है। तो इसको अब हम कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करते हैं। डायग्राम की होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, मज़ीद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। जी हमारा एडिटर ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से कल जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम होगा एपीआई इंटीग्रेशन, और मैं फिनिश करता हूँ। तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम अपना काम कंटिन्यू कर लेते हैं जी। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है और ये रहा, ये डिफ़ॉल्ट कोड है, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके, जस्ट अ सेकेंड, वो एनालाइजिंग हो रही, सिलेक्ट क्या मसला है, एनालाइजिंग एक दफ़ा कंप्लीट हो ले, जब तक एनालाइजिंग कंप्लीट होती है मैं इसकी डायरेक्टरीज बना लेता हूँ। सेलेक्ट ऑल में डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले डायरेक्टरी बना लेता हूँ। एक हमारे पास मॉडल होगी और एक हमारे पास सर्वर होगा, तो एक हमारे पास यूआई होगी उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। ओके, ये हमारा मेन है, यहाँ पे वही एज अ इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल जो हम काम करते हैं, वाइड में, और ये मैं लैम्डा एक्सप्रेशन रन है, और यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बना दूंगा जिसका नाम होगा माई ऐप, और यहाँ पे कोहोस्ट और ये माई ऐप, और यहाँ पे मैं इसको की देनी है, की पास कर दूंगा। की अगर हम ना भी दे, ऑप्शनल होती है कि ना भी दे तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन की देना एक अच्छी प्रैक्टिस है मेरी नज़र में। तो ये कंटेनर है हमारा और यहाँ पे कंटेनर में हम रिटर्न करते हैं मटेरियल है जो लाजमी होता है, टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं एपीआई लिख लेता हूँ। और यूआई में मेरे पास होगी एक सिंपल तो ज़रा जूम इन कर लेते हैं, इसमें भी वही एज अ यूजुअल जो काम होता है। ओके, स्टेटलेस और माय नेम सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास स्कैफर्ड, और स्कैफर्ड के अंदर एप बार आ जाती है, एप बार के अंदर मैं लिख देता हूँ एप बार, और एप बार के अंदर हमारे पास टाइटल आ जाता है, और टाइटल में हम पास कर देते हैं टेक्स्ट,
और टेक्स्ट होगा हमारा एपीआई इंटीग्रेशन। इसको मैं कॉस्ट सेट कर देता हूँ क्योंकि स्टैटिक है, और मैं बोलता हूँ ये सेंटर में हो तो ये मैं बोलता हूँ तो सेंटर टाइटल, इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं अभी फिलहाल के लिए सेंटर, और सेंटर के बाद मैं इसका चाइल्ड, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, और टेक्स्ट को मैं तो लिख देता हूँ यू एट मेन स्क्रीन, और इसका स्टाइल जो होगा वहाँ यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्टाइल पास कर देता हूँ कलर स्टॉट ब्लैक, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट साइज, इसको दे देता हूँ 30, और इसको मैं कौन सेट कर देता हूँ जी। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। ओके वेयर इज द इशू मेन डॉट डॉट, ठीक है ओके। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा होम, होम के अंदर मैं मेन स्क्रीन वही कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे की आ जाएगी, और की को मैं सेट करूंगा की, और यहाँ पे मेन स्क्रीन ओके। तो इसको एक दफा मैं कॉस्ट सेट कर देता हूँ, और शो फॉल्स ठीक है। तो मैं हमारा एमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ साथ में, जब तक एमुलेटर हमारा रेडी होता है। जस्ट अ सेकंड वाइप डाटा, जब तक हमारा एमुलेटर रेडी होता है मैं तब तक आप लोगों को बता देता हूँ। ओके तो इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है जो इसका डिस्क्रिप्शन मैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमें ये फ्लटर जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए एक HTTP पैकेज चाहिए होता है, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए, फिर उसका वो जो रिस्पॉन्स होता है उसको डार्ट के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड फेच एंड डिस्प्ले। तो ये इसकी कुछ डिपेंडेंसी वो देखते हैं अभी हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, और इसकी परमिशन होती है इंटरनेट की। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डीबग मोड होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, SRC और डीबग। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डीबग होता है एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो जो हमारी एंड्रॉयड की जो परमिशन इंटरनेट की होती है वो इनेबल होती है डीबगिंग में। लेकिन जब हम जो है वो इसका रिलीज्ड वर्जन निकालने जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे आके ऐड करनी पड़ेगी अपनी वो जो है परमिशन जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जब हम रिलीज वर्जन निकालेंगे तो फिर उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो हम किस तरह यूज कर सकते हैं। होपफुली ओके पिक्सल स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं मिनिमाइज जस्ट अ सेकंड वेयर इज द इशू ओके। तो अभी इसने डिटेक्ट कर ली है ओके, मैं इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि मैं पता चल जाए। ये मैं क्लोज कर देता हूँ, एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर मैं इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ ओके। तो साथ में वो एक नेटवर्क रिक्वेस्ट का बोलता है कि इस तरह वो उन्होंने एक ये वाली API रखी हुई है, तो मैं ये वाली API तो नहीं लूँगा, मैं कोई और API लूँगा चीज़ें गेट करने के लिए। API से बेसिकली जो होती है हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक API होती है जिसमें हम डाटा कैसे रफा में गेट करते हैं, एक हमें होती है पोस्ट मेथड के साथ करते हैं। जो पोस्ट वाली मेथड के साथ होती है API, उसके अंदर क्या करते हैं हम कुछ डाटा भेजते हैं, और उस डाटा भेजने के रिस्पॉन्स में हमें कुछ डाटा आंसर में कुछ मिलता है। लेट्स सपोज अगर हमने लॉग इन करना है किसी पेज पे, तो हम क्या करेंगे लॉग इन के लिए हम एक डाटा भेजेंगे यूजर नेम का पासवर्ड का, और वो भेजने के बाद क्या होगा उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ मिलेगा, और उसके रिस्पॉन्स में मिलता है कि हाँ जी ये यूज़र जो वैलिड है, ये उसका यूज़र नेम या उसका यूज़र नेम वगैरह मिलता है हमें, या इस तरह का कुछ भी समथिंग कुछ भी मिल सकता है। तो जो टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है जेसन प्लेस होल्डर, ये वाली जो है टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पोस्ट है, कॉमेंट्स है, एल्बम्स है, फोटोज है, टू डू है, यूज़र्स है, ये गेट के लिए ये सारी गेट पोस्ट वन कॉमेंट्स और ये सारे इसमें, यहाँ पे अपने मॉक अपना खुद भी बना सकते हैं आप लोग। ये पोस्ट का सॉरी पोस्ट से हमें कोई काम नहीं अभी ओके। गेट मेथड पोस्ट वन ओके। तो आज की डेट में हम ये जो है ना ये वाला जो मेथड है ये देखेंगे कि ये हमारे पास यूजर का डाटा किस तरह आता है और किस तरह हम इसको डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। सिंपल इसलिए मैं आपको इसको मैं इस तरह सेट कर रहा हूँ,
हाँ हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी इसकी जगह फिर कल का जो इसका पार्ट टू होगा ये उसके अंदर फिर हम जो मॉडल क्लास उसके अंदर हम मॉडल क्लासेस डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और उसके कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ हम काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ सेंस, लेट्स सपोज ये मेरे पास यूजर है, अब मेरे पास ये एक पूरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मेरे पास ये एक है, ये इसका नेम और ईमेल, ईमेल के बाद एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस के अंदर लिस्ट विद इन लिस्ट आ गई है मेरे पास, ये देखिए लिस्ट, ये लिस्ट है आगे, और लिस्ट के बाद फिर आगे जियो है इसकी, और जियो के अंदर फिर एक और लिस्ट है, लिस्ट विद इन लिस्ट और उसके अंदर फिर एक और लिस्ट। तो इसका जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो उस चीज में हम ये चीज देखेंगे। तो आज की डेट में मैं जो है सिंपल, ओ सॉरी जस्ट वेयर इज पोस्ट वन, ओके तो आज की डेट में क्या करेंगे हम लोग, ये सिंपल देखेंगे जिसमें कि यूजर आईडी है, ये मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, मैं एक टाइटल डिस्प्ले कर दूंगा और बॉडी में ये जो लिखा हुआ है मैं ये दो चीजें जो है ना वो डिस्प्ले कर दूंगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं इस काम के लिए, हमें सबसे पहले जस्ट अ सेकंड में हमारा एमुलेटर ठीक है वो दे बोल रहा है कि आप एक मेन स्क्रीन पे, इस काम के लिए अभी मैं जरा मेन स्क्रीन पे जाता हूँ, नेटवर्क रिक्वेस्ट बाद में करेंगे, पहले हमें अपना एक यूआई डिजाइन जो है वो सेट करना पड़ेगा। मैं ये सेंटर वगैरह वाला रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ कॉलम, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चाइल्ड, अब चाइल्ड है और चाइल्ड को यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ दो टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट वन और इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट टू, या मैं टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू की बजाय मैं हमारे डिस्प्ले के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टाइटल और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बॉडी, ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा दोबारा से रीलोड करके देख लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो काम हमने सेट किया वो सेट हुआ है या नहीं हुआ। ओके तो ये देख रहे हैं ये हमारे कॉर्नर में ये चीज़ें सेट हो गई हैं, लेकिन जब हमारे पास डाटा आएगा तो उसको हम फिर देखते हैं कि एक अच्छे तरीके से हम किस तरह डिस्प्ले में लेकर आ सकते हैं। मैं इस चीज़ को मिनिमाइज करता हूँ। ओके तो हमें इसको लिए जिस तरह यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आपको एक HTTP पैकेज चाहिए होगा, HTTP पैकेज, उसके बाद हम उसको कुछ रिस्पॉन्स लेंगे, रिस्पॉन्स लेने के बाद फिर हमें इस तरह एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी, हम एक मॉडल क्लास भी बनाएंगे और उसके बाद हम उसको देखेंगे। ओके तो HTTP पैकेज के लिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, HTTP फ्लटर, ये हमारे पास पैकेज आ जाएगा, देयर इज अ इशू HTTP डॉट, क्या इशू आया हुआ ब्राउजर के अंदर। एनीवेज यहाँ पे भी हमें ये यूज करने का इसका तरीका बताया गया, मैं साथ में आपको ये भी बताता हूँ, ये इसकी लेटेस्ट डिपेंडेंसी है, ओके कैपिटिनो आइकन, अब यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ नेटवर्क, ओ सॉरी नेटवर्क रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मैच्योरिटी का लेटेस्ट जो हमारा पैकेज है मैं वो पेस्ट करके पब गेट करता हूँ, वो उसके जितने भी वो सारा ऑनलाइन क्लाउड पे इसका जितने भी फाइल्स पड़ी हुई है सारे गेट कर लेगा, और अगर कोड जीरो आ जाए तो मतलब एरर फ्री हमारा कोड आ गया। ओके तो यहाँ पे मैं एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल का नाम मैं सर्वर ही रख लेता हूँ। ओके यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है पहले पैकेज, पैकेज HTTP सेशन, चलिए कर लेते हैं HTTP भी पहले, सबसे पहले मैं, ओ जस्ट अ सेकंड, अब वाई टाइप करनी है वो हमें कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन खैर अभी वाई टाइप का वाइट सर्वर रिक्वेस्ट, सर्वर रिक्वेस्ट के नाम पे, और यहाँ पे ये। ओके तो इसके लिए हमें हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं,
क्योंकि ये दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमें सबसे पहले वो HTTP का वो जो है ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट HTTP, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। मैं इसको एज ए पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एज एलियास HTTP। वेयर इज द इशू, क्यों नहीं ये इसको, द यू आर डज नॉट एग्जिस्ट भाई, अब क्या तो हुआ था। एज इसका मतलब है लिहाज से, मैं HTTP की जगह भी कुछ लिख सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको पूरे का एक नाम दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एज HTTP मतलब ये एक तरह का समझ ले, ये मेरा एक वेरिएबल है और इसके अगेंस्ट ये कुछ पड़ा हुआ है तो उसको मैं एक्सेस करूँगा। ओके तो सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग में आ जाती है APA, मतलब वो जो हमारा पाथ है जिसको हमने हिट करना है। मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। वो पाथ कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे अब जो है हमारे इसको देखते हैं var, और इसको मैं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू HTTP डॉट, अब ये देखे ना ये वाला जो HTTP, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ HTTP डॉट, इसको मैं करता हूँ गेट। अब गेट में मैं इसके गेट मेथड को आगे मैं डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसको मैं कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो वो मुझे बोल रहा है कि इसको एक URI चाहिए, URI टाइप का एक चाहिए होता है। अब मैं वो किस तरह कर सकता हूँ, URI इसके अंदर हम डायरेक्टली नहीं पेस्ट कर सकते, मैं जो यहाँ पे एक URI जिसका नाम होगा URL, मैं मोस्टली लिखता हूँ, आप कुछ भी वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने करना है URI डॉट फ्रेज, और यहाँ पे पास कर देनी है आपने APA। एक दफा आपने यहाँ पे APA पास कर दी तो उसके बाद आप इसको URL कर देंगे। ओके तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब मैं इस पे हाईलाइट करता हूँ तो वो मुझे बताता है कि ये फ्यूचर रिस्पॉन्स टाइप है, लेकिन ये एक्चुअल में फ्यूचर रिस्पॉन्स टाइप है, तो इसके साथ फिर हमें कुछ एक दो कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, एसिंक यानी कि सिंक्रोनाइज और अवेट। अवेट का वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। अवेट का वर्ड हमें क्यों यूज करना पड़ेगा ये मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। इफ रिस्पॉन्स ड्रॉप सॉरी तो सबसे पहले हम ट्राई एंड कैच बनाते हैं। ट्राई कैच एक्सेप्शन, क्योंकि हम रियल लाइफ में काम कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा ट्राई एंड कैच में काम करना चाहिए। वो हमने इसको बोल दिया कि HTTP रिस्पॉन्स टाइप का, इसको मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ओके तुम एक दफ़ा एरर दे रहे हो क्योंकि एरर तुमने देना ही है मुझे, आई नो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक दफ़ा वार, वार कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इफ पहले मैंने चेक करना है मेरा स्टेटस कोड जो है वो 200 है या नहीं है। अब स्टेटस कोड 200 का मतलब है कि वेबसाइट ओके है और वर्किंग में है। ये चेंज भी हो जाता है लेकिन ये बैकएंड पे API वाले बंदे का काम होता है। रिस्पॉन्स डॉट, अब मैं रिस्पॉन्स डॉट कर रहा हूँ तो मुझे ऑन एरर एज अ स्ट्रीम और ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मेरे मतलब की चीज़ है वो मुझे नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लगा देता हूँ तो अब मैं देखता हूँ तो मुझे स्टेटस कोड देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको कर रहा हूँ इज इक्वल टू 200। अब अवेट कीवर्ड क्या काम करता है, अवेट कीवर्ड काम करता है जब तक इसको मैंने गेट URL किया, मतलब वो इस URL को हिट करेगा। हिट करने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, जब तक वो आता नहीं है वो वेट करता रहता है, इसको वेट पे लगाई रखता है। इसको वो बोलता है कि जब तक नहीं आएगा आपने वेट करना है, बाकी के ऑपरेशन वो कंटिन्यू करता है, लेकिन जब तक वो बोलता है कि नहीं आएगा आपने क्या करना है, वेट करते रहना है। वो वेट करेगा, वेट करने में मेरे ख्याल डॉट देन जी, इसके अंदर भी डॉट देन है लेकिन वो हम यहाँ नहीं यूज करेंगे। तो इसका एक और तरीका भी होता है, वो फिर कभी किसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ओके तो वो अवेट कीवर्ड लगाने से वो क्या करता रहता है, वो वेट करता रहता है जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा अब अवेट कीवर्ड कब हम यूज कर सकते हैं, जब तक मैं ये एसिंक रिमूव कर दूंगा वो मुझे एरर देगा या वेट।
भाई ये सिंक्रोनाइज जो है, आपने अवेयर तो लगा दी लेकिन ये सिंक्रोनाइज जो है वो वाला फंक्शन नहीं है, तो मैं इसको सिंक्रोनाइज बनाने के लिए मैं एसिंक साथ में ऐड कर दूंगा। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो स्टेटस कोड है वो 200 होना चाहिए। अगर मेरा स्टेटस कोड 200 होगा तो वो मेरे से डाटा, वो एक दूसरे के साथ ही, ये जो मेरे मोबाइल की डिवाइस है और जो डेटाबेस है ये एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकेंगी, अदरवाइज ये कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगी। एपीआई का मकसद ये होता है कि कम्युनिकेशन करवाना, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटस को 200 जो है इसकी चेंज कर सकते हैं हम, इसको जो डेवलपर है वो अपनी रीडिंग के मुताबिक भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 200 का। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं जो हमारा इसके बाद जो है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी करूंगा, तो वो मुझे क्या करेगा, वो जो हमारे एपीआई का रिस्पॉन्स होगा वो ये सारा प्रिंट करवा देगा। लेकिन इसको मैं अभी के लिए कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं वहां पे प्रिंट नहीं करवा रहा हमारी मेन के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन के साइकिल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। ये जो स्टेट लेस होते हैं वो तो सिंपली क्रिएट हो जाते हैं, इसमें कोई एसएच रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन अगर जो स्टेटफुल होते हैं उसमें स्टेटफुल विजिट क्रिएट होने से पहले हमारा एक जो है कॉल होता है वो इनिट स्टेट कॉल होती है, जिस तरह एंड्रॉयड के अंदर ऑन क्रिएट कॉल होता है ना बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, इस तरह इसके अंदर जो है वो इनिट स्टेट कॉल होती है, तो वो स्टेटफुल में होती है, स्टेटलेस में नहीं, विजिट में होती। तो इसके लिए हमें एक तरीका तो ये है कि जैसे ये हमारा जो विजिट रेंडर हो, जिस तरह जैसे ये हमारा विजिट बने फॉरन इसके अंदर कॉल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ सर्वर रिक्वेस्ट, इसको मैं कॉल करता हूँ और मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास डाटा आता है कि नहीं आता है। अभी यहाँ पे बॉडी पे डिस्प्ले नहीं होगा, अभी यहाँ पे कंसोल के अंदर डिस्प्ले में होगा। जस्ट अ सेकंड, ये इसको मैं एक दफा क्लोज कर देता हूँ दोबारा। रेशियो एक दफा ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम देखते हैं। ओके, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा टाइम लिया और थोड़े से टाइम के बाद वो क्या किया, यूजर आईडी हमें डिस्प्ले करा दी और ये चीजें जो उसने डिस्प्ले हमें करवा दी। अब इन चीजों को हमने डिस्प्ले किस तरह करना है हमारी ऐप के अंदर, तो इसका जो है बहुत सा एक सिंपल से एक अच्छा सा तरीका है, मैं इसकी एक मॉडल क्लास बना दूंगा और वो यहाँ पे बनेगी और मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और ये थी किस चीज की, यूजर आईडी हमारी रिपीट और पोस्ट। ओके, मैं डार्ट फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं पोस्ट ही रख देता हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएगा क्योंकि मैंने इसका नाम पोस्ट रखा है, और क्लास इसका मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट मॉडल। जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर क्या, एक यूजर आईडी है, एक टाइटल है, एक बॉडी है, तो मैं जो है वो दोनों ये चारों चीजों को मैं बल्कि सिंपली इधर यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये चीजें याद रह जाए। ओके, ये भी साथ में कॉपी हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये आप लोग खुद लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने आप लोग लिख नहीं सकते, मैं तो जस्ट अपनी आसानी के लिए इस तरह कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, ये हो गया और इसके बाद मैं इसको ये भी रिमूव कर देता हूँ और ये भी मैंने इस पर रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया, की बॉडी का ये रिमूव करना है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको अभी समझ लग जाएगी।
ये हमारा इन टाइप ही आईडी है, यूजर आईडी, ये भी हमारा इन टाइप आईडी होगा, ये हमारे स्ट्रिंग होगा और ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा। सेमी कॉलन सेमी कॉलन सेमी कॉलन, क्योंकि ये नल सेफ्टी पे काम करता है, इसलिए ये हमें थोड़ा सा इशू देगा अभी, लेकिन अभी ये चले जाते हैं पोस्ट मॉडल, और यहाँ पे मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ें जो है वो पास कर दूंगा। दिस डॉट बॉडी इज इक्वल टू, मैं एबीसी कर देता हूँ, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू एबीसी कर देता हूँ, और दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू, मैं सारे डिफॉल्ट एबीसी कर रहा हूँ वो मुझे, अच्छा दिस डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रिंग को मैं इसके अंदर कैसे भेज रहा हूँ, और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी एक तरह से मॉडल क्लास बन गई, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ एक ये मॉडल क्लास है, ये हमें डेटा देगी, लेकिन ये डेटा दे तो देगी लेकिन हमें ये किसी काम का डेटा नहीं देगी, ये हम वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने होंगे। तो फिर इसके लिए अंदर हमें कीवर्ड यूज करते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री फैक्ट्री क्या करता है कि वो इसको सुपर क्लास में इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता है, और इसको सब क्लास में इसका जो आगे हम लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रॉम जेसन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मैप, एक तरफ होगी स्ट्रिंग वो इनपुट स्ट्रिंग टाइप, और ये बाकी जो डाटा वो डायनेमिक होगा, और इसको मैं कर देता हूँ जेसन। ओके जेसन, और यहाँ पे मैं वही सिंपल पोस्ट मॉडल, और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब आईडी जो है मेरी वो आईडी क्या होगी, ये जो मैंने जेसन लिखा है वो जेसन और इसको डिफॉल्ट वैल्यू में क्या दे रहा हूँ, जीरो दे रहा हूँ, सॉरी ये जो चीज कर रही है ये इसको डिफॉल्ट वैल्यू कुछ दे रही है, और यहाँ पे आप ये देखें यहाँ पे मेरी क्या है आईडी, तो मैं इस आईडी को कॉपी करके, ये मेरी की है, ये चीज का लाजमी ध्यान रखना की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं होगी तो आपका डाटा कभी भी फैच नहीं होगा। ओके, इसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है, यूजर आईडी आ जाती है जेसन, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यूजर आईडी, उसको भी मैं कुछ जो है एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना एक अच्छी चीज है, आप एरर से बच जाते हैं। टाइटल और जेसन, और सिंपली वही मैं टाइटल, और इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू जो है ताकि ये नल ना हो, यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ ए बी सी, और बॉडी और इसको भी मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ ए बी सी, जस्ट दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। ये हमारा काम इसने क्या किया कि इसने हमारे डाटा को जो हमारे पास जेसन की फॉर्म में डाटा है उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर मैप के अंदर, मैप के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इन वेरिएबल्स में डाटा जो है वो स्टोर कर देगा, और स्टोर करने के बाद वो हमें रिटर्न में मिल जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं वो हमारे पास किस तरह होगा। इफ अगर हमने बोला था रिस्पॉन्स 200 है तो वो उसका कुछ हो, तो अब हमने क्या करना है, रिटर्न करना है, सॉरी पहले हम बनाते हैं पोस्ट मॉडल, और एक रिक्वायर होगा पोस्ट मॉडल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ये चीज देखिएगा पोस्ट मॉडल डॉट करूंगा तो वो जो हमने फैक्ट्री वाला काम किया तो वो यहाँ पे ये चीज हमें मेंशन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको अब एक जेसन चाहिए होगी, जेसन चाहिए होगी, लेकिन वो जेसन जो है हमारे पास वो जेसन की फॉर्म में, हमने उसको डीकोड करके देना है, मैं जेसन डीकोड करूंगा और यहाँ पे मैं भेज दूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो मेरे जितना भी डाटा होगा वो उसको हमारे को डीकोड कर देगा, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ पोस्ट मॉडल,
ओके, वेयर इज द इशू? हाँ, वो बोल रहे हैं आपने वाई टाइप है, लेकिन आप तो कुछ और रिटर्न कर रहे हैं। इफ इसके अंदर एल्स नहीं लगाने हो, क्योंकि अगर इशू होगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली इसको ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये वॉइड टाइप के अंदर हम रिटर्न नहीं करेंगे, ये होगा फ्यूचर टाइप का होगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, पोस्ट मॉडल रिटर्न करेगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, अब ये हमें एरर दे रहा है, कहता है भाई ठीक है बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी तो रिटर्न करे ना। इसका एक अच्छा तरीका ये है, पोस्ट मॉडल, और इसका नाम मैं पोस्ट मॉडल ही रख देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलन, ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो वो यूजेज में आ जाएगा। ठीक है, और रिटर्न पोस्ट मॉडल नहीं तो क्या करो, बल्कि यहाँ पे इस तरह है, ठीक है उसके अंदर वो रख दो, और रखने के बाद क्या करो, रिटर्न कर दो पोस्ट मॉडल। ओके, वो बोल रहा है नॉन नलेबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट मॉडल बॉडीज। ओके, यहाँ पे सारी वो, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने दी हुई है, तो ऐसे कुछ इशू नहीं। आप लोग ये काम बगैर किए भी कर सकते हैं। ओके, वेयर इज द इशू? ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है आप इसमें ना अगर कुछ हो जाए तो आप इसमें जो है नल है वो रिटर्न कर सकते हैं, अगर आप नल नहीं रिटर्न करना चाहते तो। पहले ये नल सेफ्टी में नहीं था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सम टाइम हो सकता है कि हमें नल जो है वो रिटर्न हो जाए, तो ऐसा भी इशू हो सकता है। ओके, तो ये पोस्ट मॉडल है, और ये क्या करेगा इसके अंदर सेट कर देंगे, और इसको मैं यहाँ पे सिंपली कट करके मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि अच्छे लगे थोड़ा सा। तो इसको यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन इसको छोड़ देते हैं, इसकी फिर जरूरत नहीं है हमें, वो इसको ऑटोमेटिकली वो उसको कंपाइलर जो है वो देख लेगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये जो सर्वर रिक्वेस्ट इसको यहाँ से करना है रिमूव, और रिमूव करने के बाद ये जो हमारा स्टेटलेस विजेट है इसको मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, और बल्ब ओपन हो जाएगा, और बल्ब को मैं स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, क्योंकि अब मैंने इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिए, तो अब मैं इसके इनिट वाले मेथड के अंदर मैं आ सकता हूँ, इनिट स्टेट। ओके, तो अब क्योंकि मेरा वो वाला जो है वो मेथड जो है वो मेरा फ्यूचर रिटर्निंग मेथड है, तो मुझे ये पोस्ट मॉडल में कुछ रिटर्न कर रहा है, मुझे ये इसका फ्यूचर जो है वो पोस्ट मॉडल टाइप का है कुछ, वो रिटर्न कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा पोस्ट मॉडल, और सेम वही काम पोस्ट मॉडल। ओके, इसका नाम है, ये प्राइवेट रखता हूँ मैं पोस्ट मॉडल, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये कि ये इसको नल कर रखेगा एक दफा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्वर रिक्वेस्ट क्योंकि ये फ्यूचर टाइप है, डॉट देन, डॉट देन से क्या होगा कि हम जो अवेट का कीवर्ड लगाते हैं, हम अवेट का कीवर्ड लगाने से बच जाएंगे। डॉट देन किया, और डॉट देन के बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास प्राइवेट मेरी मॉडल क्लास है, पोस्ट मॉडल क्लास इज इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा, तो वो उसके अंदर जितनी भी वो वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी इनिट स्टेट के, जब एक दफा स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने वो सिंपली और कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पे ये करूंगा पोस्ट मॉडल डॉट, यहाँ पे मेरा ये टाइटल आ जाएगा, और ये इसको बोलेगा कि ठीक है आपने नल चेक लगाना है, और ये कॉन्स्ट टाइप का नहीं होगा, कि ये वैल्यू जो है मेरी वो नल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ये पोस्ट मॉडल डॉट टाइटल, और ये मेरे पास आ जाएगी बॉडी, तो इसके अंदर भी वो क्या बोलता है वो उसको नल चेक आप लगा ले, तो वो वैल्यू जो है मेरी नल नहीं होगी। अब मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ, देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले। ओके, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। ओके, तो ये कुछ एक एरर हमें प्यारा सा देखने को मिल गया, तो बोल रहे हैं कि हमने नल चेक ऑपरेटर लगाया लेकिन वो नल वैल्यू दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी मैं एबीसी दे रहा हूँ,
वही काम जो हमने पहले किया था, डिफॉल्ट वैल्यू एबीसी। अब ये क्यों काम कर रहा है? अब हमने देखना, मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ पोस्ट मॉडल को। बाय डिफॉल्ट पोस्ट मॉडल में वैल्यू नल पड़ी है, तो वो क्या करेगा? उसने हमें नल ही रिटर्न करना है। इंस्टेंस ऑफ पोस्ट मॉडल, पोस्ट मॉडल डॉट टाइटल में करके देखता हूँ, और वो बोल रहे हैं नॉट नल। ठीक है, लेट मी चेक अब हमें क्या रिटर्न होता है। देखें, अब देखिए वो हमें क्यों इशू दे रहा था। वो हमें इसलिए ही इशू दे रहा था, मैंने इसको हॉट रीलोड किया जी, तो मैं इसको ना एक दफा हॉट रीस्टार्ट कर देता हूँ। हॉट रीलोड से काम नहीं कर रहा, रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं इसको कम्प्लीटली। वो ऐप जो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी, और इसको मैं दोबारा रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो वो हमें नल चेक का क्यों एरर दे रहा था, मैं अब हम ये देखेंगे क्या रीज़न है कि क्यों हमें वो नल चेक का दे रहा था, और इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू उसने एबीसी एबीसी दी, और उसके बाद ये समथिंग लाइक कुछ इस तरह, ये हमें आ तो गया लेकिन ये देर से आता है। तो इसका एक मैं एक तो ये तरीका, मैं सेट स्टेट में कॉल करके देख लेता हूँ ये चीज़, अगर ये सेट स्टेट में होती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसका हम कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, सेट स्टेट में करने के बाद जैसे वैल्यू अपडेट होती है, वो यहाँ पे हमें ये इस तरह दिखा देता है, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा सा है। तो जो टाइटल है उसको मैं, हम थोड़ा सा इसको अब हम देखते हैं। हाँ, टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 20, और ये मैं देखता हूँ कलर दे के देखता हूँ, स्टॉट ब्लैक फॉन्ट वेट W70। ओके, इसको मैं कॉस्ट करता हूँ। सॉफ्ट रैप में इसकी फॉल्स करके देखते हैं, मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो ये हो गया, और ये कुछ इस तरह सा सॉफ्ट रैप, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ओके, सॉफ्ट रैप करने से ट्रू ये हमारा विजिबल हो गया, और ये नीचे आगे कुछ डाटा आ गया। इसको मैं थोड़ा सा एक प्यारा सा लुक देने के लिए मैं इसको पैडिंग में रैप कर देता हूँ, पैडिंग, और इसके साइडों से इसको कितनी 20 की पैडिंग आ जाएगी। ओके, 20 की पैडिंग आ गई, तो ये थोड़ा सा एक अच्छी लुक में आ गया। ये हमारा डाटा फैच हो रहा है वाया एपीआई। ओके, तो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो इसके आगे फिर एक चीज़ है, वो हम देखते हैं, वो हम किस तरह करते हैं। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ हॉट रीलोड। स्टेटफुल विजिट में करने का एक मकसद ये भी था कि जैसे ही हमारे पास डाटा आए, और उसके स्टेट्स जो है वो फौरन तौर पे अपडेट हो जानी चाहिए। एक ये भी हमें रीज़न था स्टेटफुल करने का। ओके, तो वो देखा आपने, पहले एबीसी शो हुआ, फिर ये इस तरह डाटा शो हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको सिंपल से, एक हमारे पास है, इसको हम रैप कर देते हैं स्ट्रीम बिल्डर। ओके, सबसे पहले हम इसको रैप कर देंगे स्ट्रीम बिल्डर में, और स्ट्रीम बिल्डर के बजाय यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा
फ्यूचर बिल्डर, और यहाँ पे स्ट्रीम की बजाय मैं दे दूंगा फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पे वही हमारा वो वाला जो है सर्वर, सर्वर रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करूंगा और कुछ भी नहीं मैं करूंगा, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। पैडिंग कॉन्टेक्स्ट ओके, रिटर्न पैडिंग, लेकिन ये हम इसको इस तरह नहीं करेंगे, मैं इस तरह इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ और ये कैंसिल करता हूँ। इफ यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डाटा, अगर स्नैपशॉट के अंदर डाटा है तो क्या करो, ये रिटर्न कर दो सेमी कॉलन, हमारा एरर चला जाएगा। एल्स क्या करो, ओके एल्स नहीं, इसके बाद अमल करते हैं एल्स, या हम मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं। इफ स्नैपचॉट डॉट हैज एरर, अगर एरर है तो क्या करो, प्रिंट करवा दो, इट हैज एरर, ओके। तो ये स्नैपशॉट, ये जो है डाटा है, ये क्या करेगा हमारा, ये जो इसको मैं एसिंक्रोनाइज है और ये पैकेज है, इसके अंदर आप जाके देखते हैं, ये बेसिकली बुलियन है जो हमें बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके वो प्रिंट कर देगा। और इसके बाद आ जाएगा एल्स, एल्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एल्स, एल्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसको मैं कॉन्स्ट सेट कर दूंगा, तो वो जो प्रोग्रेस, वो जो गोल गोल हमें शो होता है मोस्टली, और इसका कलर दे देता हूँ, कलर स्ट्रॉन्ग ब्लू एक्सेंट, और इसका मैं स्ट्रोक विड्थ, विड्थ कितनी, मैं 20 दे देता हूँ विड्थ। अब मैं ज़रा इसको, आई थिंक एक एरर है, वेर इज एरर, वेर इज एरर, एरर क्या कह रहा है, द बॉडी, द बॉडी माइट बी कंप्लीटली कॉज यूजिंग नल रिटर्न, इसको मैं एक दफा रिमूव कर देता हूँ, तो वो हमारा एरर एक दफा चला गया, ठीक है। इसको मैं जरा रीलोड करता हूँ, मैं अब देखते हैं अब ये हमारे पास किस तरह होगा, ओके वो वहां पे तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसको हमने करना है सेंटर के अंदर रैप कर देंगे, और ये बहुत ज्यादा था, इसको मैं 10 कर देता हूँ, ये यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जरा हॉट रीलोड करता हूँ, ये देखिए अब वो लोडिंग ले रहा है, जब तक वो उसका डाटा फेच नहीं होता वो हमें ये चीज डिस्प्ले नहीं देगा। तो होपफुली आपको चीजों की समझ लग जाएगी, इसके लिए मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, एक हमारे पास सर्वर को, एक हमारे पास डेटाबेस होती है जो ऑनलाइन पड़ी होती है, उसको हम हिट करते हैं वाया HTTP पैकेज जो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया था, ये वाला इसको यूज करते हैं, फिर हम इसके लिए एक सर्वर बनाते हैं जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिक्वेस्ट के नाम से इसको अलियास हमने उसको इंपोर्ट किया है, एज HTTP अलियास नेम दिए, जो ये हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। ये हमारे पास एक API को हमने URI में हमने कन्वर्ट की है, URI में कन्वर्ट करने के बाद हमने हमारे पास एक पोस्ट मॉडल, ये एक हमारे पास उस वेरिएबल का, हमने जो हमारे मॉडल क्लास है उसका हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद उस रिस्पॉन्स को हमने गेट की है, गेट करने के बाद हमने देखा कि अगर उसका स्टेटस कोड 200 है तो वो हमें रिटर्न कर दो, अगर वो 200 नहीं है तो वो हमें कुछ ना कुछ एरर रिटर्न कर देगा या कैच में चला जाएगा। तो वो उसने देखा कि जी स्टेटस कोड ईच एंड एवरीथिंग ओके है, तो उसने हमें क्या किया, वो रिटर्न कर दिया। पोस्ट मॉडल क्लास के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है अब हम वो देख लेते हैं, पोस्ट मॉडल क्लास है और उसके अंदर कुछ ये चीज़ें थी जो यूजर ने फोन डिटेल दी हुई थी, और उसके बाद पोस्ट मॉडल के अंदर ये पोस्ट मॉडल जो है उसका कंस्ट्रक्टर है, फैक्ट्री करके हमने उसको बनाया है, और फैक्ट्री के बाद हमारे पास ये आइडिया जो जेसन के अंदर के फॉर्म में हमारे पास ये सारा डाटा आ गया।
वो उसके हमने वाया उसकी कीज जो है डाटा सारा हमने उससे फेच कर लिया। होपफुली आपको चीज़ों की समझ लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका फ्लटर की जो डॉक्यूमेंटेशन है जिस वेबसाइट से मैंने वो API हमारी ली है वो दे दूंगा, और मैं फोटो जो है मैंने इसका जो एक अपने एंड से एक चार्ट सा बनाया है मैं वो भी कोशिश करूंगा कि अपलोड करके उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, तो जैसे पॉसिबल होगा मैं उस बंदे को रिप्लाई कर दूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच्ड है। तो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लास्ट डे भी देख रहा था बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है जो जस्ट वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, उनसे थोड़ी सी मेरी भी सपोर्ट हो जाती है, और लाइक और कमेंट कमेंट जो है वो लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।